काफ़ी ऑनर की बात है, प्रतिष्ठा की बात है, इज्जत की बात है कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने हम सबको इनवाइट किया है। और कश्मीर मैं बचपन में गया था, उसके बाद कभी जाने का मौका नहीं लगा, और मुझे इनविटेशन भी आया है कि कश्मीर को जल्द से जल्द विज़िट किया जाए, जाया जाए। तो ये एक पहला कदम है, और मुझे लगता है कश्मीर जिस तरह की खूबसूरत जगह है, इस तरह के काफ़ी जो पहल हो रही है, इससे न सिर्फ कश्मीर को फ़ायदा होगा बल्कि हमारे जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को फ़ायदा होगा कि हम कश्मीर में लगातार जाके शूट कर सकें। नहीं, काफ़ी शूटिंग हो रही है वहाँ पे, और खौफ मुझे बहुत सारे लोगों ने भी बताया कि खौफ थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। तो मैं कश्मीर बहुत जल्दी जाने वाला हूँ क्योंकि इन्विटेशन आया है, और जब मैं वापस आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि कितनी रियलिटी है, क्या है, लेकिन अच्छी जगह है, वहाँ पे सबको जाना चाहिए। आई वुड लव टू, आई शुड हैव अ स्क्रिप्ट टू शूट इन कश्मीर, बट यू नो इवन इफ आई एम नॉट गोइंग टू शूट, इवन इफ आई डोंट हैव अ फिल्म विच इज़ बेस्ड इन कश्मीर, आई विल बी विजिटिंग कश्मीर विद माई फैमिली वेरी सून। थैंक यू। सर इधर देख लीजिए एक बार, लुक दिस साइड सर। क्या हाल है जी? बस एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। चलिए, बार बार दर्शन हो रहे हैं जी, हम भी खुशी है कि बार बार आपके दर्शन हो रहे हैं। बोलिए, सीएम खुद इनवाइट करने आए हैं वहाँ शूट करने के, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस बात को मानता हूँ, मेरा इस बात में विश्वास है कि टूरिज्म
बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है फिल्मों का माध्यम। इसकी शुरुआत ये जो आज यहाँ फंक्शन हो रहा है, कुछ दिन पहले दिल्ली में एक फंक्शन हुआ था टूरिज्म एंड बॉलीवुड, उस पर मेरे मित्र राहुल मित्रा प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिन्होंने बुलेट राजा बनाई और बहुत सारी फिल्में बनाई और जिन्होंने आज ही वेव सिनेमास वेव मूवीज़ का एज ए सीईओ टेक ओवर किया है, तो राहुल ने मुझे आमंत्रित किया था। बधाई हो भाई, बहुत बहुत बधाई हो राहुल जी आपको, बहुत बहुत बधाई जी आपको कुणाल जी। ऑफकोर्स तो दिल्ली में एक आयोजन हुआ था फंक्शन जहां पर कि डिफरेंट स्टेट्स से टूरिज्म से संबंधित लोग आए थे, जहां पर भी मैंने कहा था कि फिल्म से बेहतर माध्यम नहीं है लोगों को अपनी स्टेट के अंदर खूबसूरत जगहों को दिखाने का और टूरिज्म को बढ़ाने का। खुशी की बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर ने ये पहला यू नो स्टेप फॉरवर्ड लिया कि यहाँ पर बॉलीवुड में मुंबई में आकर बॉलीवुड से जुड़े हुए सभी लोगों से मिलकर उन्हें वहाँ पर आकर फिल्में शूट करने के लिए, फिल्में बनाने के लिए, कहानियाँ लिखने के लिए आमंत्रित करने के लिए यहाँ पर आए। इट्स अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। बेटा मैं यहाँ पर बॉलीवुड फिल्मों से टूरिज्म बढ़ेगा इस बारे में बात करने आया हूँ। मेरे जो दो मित्र खड़े हैं उनसे मैं मिलना चाह रहा हूँ, बाकी की कहानी मेरे घर आके हेलो हीरो जी, मैं तो बहुत पहले शूट कर चुका हूँ। इनफैक्ट ये जो जब थोड़ी समस्या खब सी हुई थी, बट देन आई प्रोड्यूस्ड अ फिल्म कॉल्ड सिकंदर विच वी शॉट इन कश्मीर इन 2009-2010। वी शॉट अ होल फिल्म एंड इट वाज वंडरफुल एंड वी हैड नो प्रॉब्लम्स। सो आई मीन आई एनी टाइम व्हेन आई हैव फिल्म आई गो देयर एंड what can I say about Kashmir that's not been already said, you know, what can I say, it's beautiful. But I mean, and I've lived in Kashmir for about 4 months. We shot a film when I was an assistant and I even acted in that film called Khamosh by Vinod Chopra, and the entire film was shot in Pehelgam. We stayed there and we had such a lovely time. It's one of my best memories ever about filmmaking, and unique. So here I am. शेदारी कोई वर्डिक्ट आ रहा है सर, सलमान को लेकर।
देखिए कश्मीरी बारे में बात करो। नहीं नहीं वो समझ में नहीं आया क्या न्यू मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता ये सब क्लॉज वगैरह मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड देयर कांट बी एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन अ फिल्म मेकर एंड व्हाट हैपेंस इन अ फिल्म ऑफ कोर्स आई मीन यू राइट अ स्क्रिप्ट यू गो टू एन एक्टर दे एग्री टू डू इट और दे डोंट एग्री टू डू इट बट यू नो आई मीन देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ स्लीज इन some places but you know when we talk of genuine filmmakers I don't think there should be any restriction or any clauses kya dobara puchhe sawal yes sir सुन तो लूँ ना मैं सुन के तो फिर उधर जवाब दे दूँगा नो आई थिंक आई हैड ए वेरी ग्रेट टाइम शूटिंग हैदर ओवर देयर एंड आई डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम इनफैक्ट आई फेल्ट सो मच लव फ्रॉम द पीपल ऑफ कश्मीर एंड द गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर इट गेव अस सो मच सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग in terms of logistics and the permissions and everything that it was a great great experience for me I think that cropped up and died so I think we should not stretch it any longer anymore and whatever I had to say and they had to say you know it's all over now yeah I think we should not stretch it any we should not milk it anymore sir 6 tarah koi budget aa raha hai sarmar ko lekar uska isse kya lena dena hai kyunki aap mile aap bahut mile aapne is tarah se pucha hai budget aa raha hai sir sarmar ko lekar industry ke point of view se जो वर्डिक्ट आएगा तो मैं मुझे भी पता चलेगा आपको भी पता चलेगा आई डोंट नो टू से एनीथिंग अबाउट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द केस थैंक यू वो सामने साइड तीनों में क्या है तीनों ऑसम ऑसम वो है दिस साइड सर लुक योर राइट Hello, good evening. Okay then. Is anybody asking? Can the cameraman wave, please? I don't know which camera it is. Okay, okay. Well, I've just finished making a series in Jammu and Kashmir for Discovery Network, and I had a wonderful experience. And I'm here to reiterate my support for Jammu and Kashmir. I think it's one of India's most premier tourist attractions, and I had a wonderful time shooting this documentary travel series for Discovery. And most importantly, I thought J&K Tourism was very forthcoming with all their permissions and all the help that they could possibly give. So. I was very happy with J&K Tourism. Often the makers have found it difficult to get permission to shoot
I had no difficulties whatsoever. I met with the J&K tourism director and he was very forthcoming with all permissions. In fact, he facilitated a lot more than I had originally asked for. And I thought everybody that I came across in Jammu and Kashmir and Ladakh pertaining to facilitating of filming were all very, very forthcoming and very cooperative and very, very encouraging. So there's this show called Off-Road with Gul Panag. It's been shot in Ladakh, in Jammu and Kashmir. And it traverses very interesting and very unique parts of Ladakh that haven't been caught on camera so far. And I'd like to thank Jammu and Kashmir Tourism for facilitating all of it. Thank you. साथियों ये चल रहा है ना ठीक इट इज ऑन इज इट ऑन सर ये इनविटेशन यहां अगर देने की कोई खास वजह नहीं मैं यहां आया हूं पहले भी 2003 में मैं यहां आया था मैंने टू कवर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उस वक्त कोलिशन थी कांग्रेस के साथ तो मैं यहां बॉलीवुड में आया और सैंड होटल में वहां मीटिंग हो गई उनके साथ उस वक्त भी उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि कश्मीर इज़ फेमस एज ए डेस्टिनेशन बॉलीवुड का भी उसमें काफ़ी हिस्सा है मैं आज दिलीप कुमार के घर गया था सायरा बानो थी यहाँ मैंने उनको याद किया जंगली कश्मीर की गली तो तरह तरह की जितने भी अच्छे मूवीज़ हुई हैं तो वो कश्मीर में चाहे गुलमर्ग चाहे पहलगाम चाहे श्रीनगर तो मेरा ये था कि इनका आने से विशाल भारद्वाज ने भी एक पिक्चर की अनुपम खेर ने भी की इसी तरह से मेरे ख्याल में आज भी वहाँ शूटिंग हो रही है तो बॉलीवुड को कश्मीर को एज डेस्टिनेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में जो वहाँ के मंजर है कुदरत की सीनरी है उसको उजागर करने में बॉलीवुड का काफ़ी साथ रहा आपको मालूम है इससे पहले सितंबर में कश्मीर में एक अनप्रेसिडेंटेड फ्लड 150 साल के बाद आया उससे काफ़ी तबाही हुई उसमें देश के लोगों ने भी हमारी मदद की उसके बाद और बारिश आ गई उसका भी यही पहलू रहा पता नहीं सैलाब आ जाए तो वहाँ के लोगों का ये एक ख्याल था कि बॉम्बे जाना चाहिए एक तो सबसे ज़्यादा पर्यटन जो है टूरिस्ट बॉम्बे से महाराष्ट्र से आता है या ग्रेट ट्रैवलर्स और गुजरात का टूरिस्ट उस ज़माने में भी आया जब कश्मीर में टर्माइल था मिलिटेंसी थी अरूज पर उस वक्त भी राजा रानी ट्रैवलर्स और जाते रहे तो इसलिए मैंने कहा कि एक अमन की आशा है हम जम्मू कश्मीर में एक अमन और सुकून का माहौल पैदा करना चाहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा राहत जो मिलती है वो कोई लंबी दौड़ नहीं है अगर टूरिस्ट आते हैं इट इज़ ए मल्टीप्लेयर वहाँ के रहने वाले जिनका रोज़गार इसी पे है हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोग आ जाए तो मेरी अपील है महाराष्ट्र इज़ ए ग्रेट स्टेट और इनका ये आने वाला जो है वेकेशन मई जून आई एम सपोज टू बी द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा वो आ जाएँ और जम्मू कश्मीर अगर कहेंगे सबसे ज़्यादा क्राइम अगर कम है जम्मू कश्मीर स्टेट में है वहाँ कैसी कोई डकैती नहीं चोरी नहीं खुदा न खासा रेप के कोई इंसिडेंट नहीं लेकिन एक नज़र लगी उस जन्नत कश्मीर को तो कुछ हमें सेटबैक मिला लेकिन इसको हम वापस लाना चाहते हैं लोग अमन और चैन की ज़िंदगी बसर करें उसमें यही कहूँगा तो एक तो ये सीज़न हो गया मई जून इस सीज़न फुल सीज़न होता है
लेकिन ऑफ सीजन जुलाई अगस्त उसके लिए हमने स्पेशल पैकेज वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, होटलियर्स हैं, हाउस बोट वाले हैं और भी जो फाइव स्टार थ्री स्टार होटल के हैं उनको मैंने कह दिया आप रिबेट दे दीजिए कोई 50% 40%। तो हमने उसको नाम रखा उसका कश्मीर कॉलिंग, तो उसमें हम कोशिश करेंगे जो ऑफ सीजन है उसमें भी कंट्री का सयाह आए। आज मैं देख रहा था, मैं रोज देखता हूँ कितने लोग आ रहे हैं, उसमें रोज बरोज तादाद बढ़ती है और किराया ज्यादा देते हैं। मतलब है कि जब ऑक्यूपेंसी ज्यादा हो 20,000 25,000, हमने ये फैसला किया है। हम चार्टर्ड फ्लाइट्स भी हमने प्राइम मिनिस्टर से भी की, सिविलाइजेशन मिनिस्टर से भी की, और वहाँ फ्लाइट जो होगी पहली फ्लाइट वहाँ से दिल्ली आती है 7 बजे। हमने ये फैसला किया 10:30 नाइट लैंडिंग भी वहाँ होगी, 10:30 लास्ट फ्लाइट आएगी। हम चार्टर्ड फ्लाइट्स भी करने वाले हैं। तो मुझे ये आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इसमें हमारी सहायता करें। हमारे मुल्क में आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी है, प्रेस इज फ्री टू अपोज एक्सपोज वट एवर दे डू, लेकिन मेरी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा इस बाढ़ से, फ्लड से बहुत नुकसान हुआ, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इज अवर इकोनॉमिस्ट शशि प्रभु, इज अवर फाइनेंस मिनिस्टर, ये कहते हैं 8% ग्रोथ था, 1% हो गया। तो उसको पूरा करने के लिए अब तो कहते हैं लंबी दौड़ है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन है, 1 साल में ये पूरा नहीं होगा, इससे लॉन्ग टर्म जो भी आप इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म। इसी तरह से मैंने कहा सबसे जल्दी अगर फायदा होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिलेगी वो टूरिज्म से मिलेगी। और मैंने हमने ये भी फैसला किया इट इज नॉट ओनली कश्मीर, इट इज जम्मू। जम्मू वी वॉन्ट टू प्रोजेक्ट एज इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन। वहाँ भी आप देखे नहीं होंगे माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाते हैं, वहाँ हमारा ये एक सबसे अच्छा कौन सा है टूरिज्म का तकनी प्राप्त है। और इसी तरह से एक जगह हमने इंटरनेशनल, जहाँ धर्मेंद्र ब्रह्मचारी ने वो बनाया था योगा सेंटर, उसको हम इंटरनेशनल महंतलाई इंटरनेशनल योगा सेंटर बनाना चाहते हैं। इसी तरह से बगलिहार डैम में कोई 10-30 किलोमीटर की झील बनी है, डैम बना है, उसमें हम वाटर स्पोर्ट्स करके यहाँ बनाना चाहते हैं। जम्मू एज वेल वी वॉन्ट टू डेवलप एज इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन। लद्दाख की तो एक अपनी खूबसूरती है, बहुत अच्छा है, डिफरेंट लगता है लद्दाख एज वेल। शूटिंग चल रही है पिछले साल, शाहरुख खान थे, इस साल भी चल रही है शूटिंग। सिक्योरिटी को लेकर नहीं चलेगा, ये चलेगा अच्छी ढंग से। सर एक क्वेश्चन और है, आपने रिसेंटली सलमान खान को अप्रोच किया था वहाँ पे? नहीं, मैं सलमान खान इज डूइंग हिज जॉब, जो वो वहाँ शूटिंग करते हैं, वो वहाँ एक श्राइन है, वहाँ भी गए थे, तो इट हैज इट्स ओन इम्पैक्ट। अगर वहाँ शूटिंग होती है फिल्म की, कबीर खान की डायरेक्शन है, तो अच्छा मैसेज आता है, उसको हम क्यों घूमने देंगे। वहाँ पहलगाम इज वन ऑफ अवर इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन, तो अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। Unfortunately, last year I planned to go, but the most unfortunate thing happened, the floods in Sri Lanka happened.
I really, really want to go back. I love everything about it. I should go to school there. I have lots of memories of growing up in Srinagar. Some bad ones, which were during the end when we had to leave. But that's why I'm here. I mean, I want to meet them, and I believe there's Vazvan being cooked here. So the food is another thing that got me here. I haven't actually spent much time in Kashmir, but I remember going as a child when I was about 10 years old. We went to Gulmarg, which is very beautiful, and that's the first time I rode a horse, more accurately a pony. And I spent some time in Kashmir, but a very long time ago. And Kunal Mill promised to take me as soon as we can. Would you like to shoot them? Because your mom's iconic films have been shot in Kashmir. Well, Kashmir is, if not the most beautiful place in India, certainly one of them. So I would be very fortunate to go there. I also want to travel to Ladakh. I've never been again. And these are parts of our country that are so close. I was just listening to the Chief Minister talk about when's the right time to visit as well. So I think this year, certainly, I would like to make a visit to the Kashmir Valley if possible, and certainly Ladakh. Nepal is going through a tough time. So is there any way you all have come forward to help? Yes, but we don't want to talk about it. As of now, we just want to say that our prayers are with them. I know they're going through such a bad time, and we just hope, you know, they come through in the strongest way possible. And I hope because I read somewhere that they're expecting that there might be some more earthquakes happening, but I just hope that this is it. So what about a quick reaction from both of you? Salman Khan is one of the biggest actors of the industry, and you know, everyone's associated with him. Well, I don't know. I mean, we can't comment on any of that because I think it's a judiciary that's going to kind of, you know, give its verdict. I don't know what to say, but I mean, strength to him and his family, and let's see what happens. So, I would echo what Kunal said. I don't think it's appropriate for us to comment on it, apart from, of course, extending a lot of support to Salman Bhai, whom we both are very fond of, and who's always been a great source of support for my family, I can say. So our prayers are certainly with him, and we are all very anxious about the 6th. Thank you. You'll see a lot of films going there and shooting there. जो मन्नत मांगी है वो सच हो जाए और बार बार जाता हूँ. I'm personally very, very close to Salman Bhai. I've grown up in front of him when Dad used to make films with him. I think he's a great guy. He's a superhuman being. As far as the verdict is concerned, I think that the court will decide, and you know, justice should prevail. But I'm not, you know, someone big to comment on that. But I really love Salman Khan. I think he's a great guy, and intentionally, I don't think he would do anything wrong. जी दोस्तों, चलिए शुरुआत करिए. बहुत गवर्नमेंट कौशिर पे कहित सारे कौशन वन प्रोग्राम बड़ बड़ मुबारक तो सारे. That means I'm saying Mubarak to everybody, and Kashmir, मेरा घर है, मेरे माँ बाप वहाँ रहे हैं, मैंने बहुत साल वहाँ गुजारे हैं छुट्टियों में, और बहुत यादें हैं. अभी मैं 15 दिन पहले मुफ्ती साहब के इनविटेशन पर कश्मीर गया था, और मेरी अच्छी खासी उन्होंने आवभगत की,
उसके अलावा कश्मीर दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाका है, और मेरी दरख्वास्त है उन सब लोगों से और हिंदुस्तानी फिल्मों के सब प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स से टेक्नीशियन से कि कश्मीर जाएं। कश्मीर एक ऐसी जगह जहां जिधर भी कैमरा रख दो उसके पीछे एक बहुत ही सीनिक ब्यूटी नज़र आएगी, और जो ये परेशानियां हमको कश्मीर में होती नज़र आती हैं, आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ एनी प्लेस दीज डेज एंड वील सॉर्ट इट आउट। आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, पूरी कोशिश होगी कि वो सॉर्ट आउट हो जाए, मगर हमें वापस कश्मीर को टूरिज्म हब बनाना है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू पीपल ओवर देयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग हैप्पीनेस ऑन एवरीबडीज फेसेस ओवर देयर, एंड आई एम हेयर इन सपोर्ट ऑफ दैट। दोस्तों नमस्कार। Salman is a wonderful person. I think people evolve, people change, people see life. The kind of humanitarian work he is doing, I think it's. I'll pray to God that he is happy after the verdict. And but I, being a common man of this country, I can't pass a judgment on something which is the law has to take its thing. And I just hope that things are all right. And I just hope. But the Salman that I have known for the last 12, 15, 30, 20 years. Has become the most amazing human being. I think the kind of charity that he is doing for the people, for poor people of this country, is laudable. And I'll pray that things are okay. Thanks. कश्मीर मैं आपको बता दूं कि मैं हर साल जाता हूं फैमिली को लेके, मेरी बेटी को, मुझे स्नो बहुत अच्छा लगता है, तो ऑलवेज वी गो टू गुलमर्ग, पहलगाम हमेशा जाता हूं। तकरीबन पिछले 8 साल से मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर हूं, कभी कभी तो 2 बार भी जाता हूं, तो अच्छा लगता है कश्मीर और घूमने के लिए। और इतनी मेमरीज है पुरानी पिक्चरों की, अमित जी की पिक्चर की, राजेश खन्ना जी की पिक्चर की, जितेंद्र साहब की पिक्चर की, इतनी मेमरीज है, तो हमेशा जब जाता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से आज बहुत अच्छा है कि सीएम साहब खुद आज तमाम बॉलीवुड के लोगों से मिलने वाले हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, और जो सहूलियत है, जो वहाँ पे जो एक शूटिंग के लिए हमने को जो प्रॉब्लम होती है, मेरे ख्याल से आज वो सब जो चीज़ें का वो उसका वो निकालेंगे, सपोर्ट होगा। और मेरे ख्याल से कश्मीर जिस तरह से 70s में 80s में था, शूटिंग होती थी, 5-5 शूटिंग एक साथ होती थी उस टाइम पर, मेरे ख्याल से वही दौर जो है फिर चालू होगा। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा दौर है कि मुफ्ती साहब की सरकार बीजेपी के साथ मिलके चला रही वहाँ पे, और डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से, मैं हमेशा चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन लोकेशन है, और ख़ासकर कश्मीर में मेरे ख्याल से सब कुछ है, लेक है, माउंटेन्स है, स्नो है, सब है, ब्यूटिफुल गार्डन्स यू हैव। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग इनिशिएटिव बाय द कश्मीर गवर्नमेंट टूरिज्म, and I'm looking forward for this event and looking forward to someday to shoot in Kashmir. Thank you. That was actually going to be my next question about shooting in Kashmir. Questions? Hello. Ayya, please. Sir, Kashmir invitation aaya hai, CM sahab khud aaye hain yahan par invite. Ji ji ji. Sir, ye ek achhi shuruaat hai, jitna zyada usko ek perception bana hua hai Kashmir ka, wo tootna chahiye, aur ye CM sahab ki bahut badi बहुत अच्छा स्टेप है जिसकी वजह से कि अलग मैसेज जाए। और हम जब कश्मीर में गए थे शूट करने के लिए, तो हमारा तजुर्बा ये था कि वहाँ बहुत सारी पेंट अप एनर्जी है और आउटलेट नहीं है लोगों के पास, तो तरीके ढूंढने चाहिए हम लोगों को भी, उनको भी, कि कैसे एक आउटलेट मिले यंग जनरेशन को, और जो जितने हालात हैं वो नॉर्मल हों। दर्दनाक हैं, खूबसूरती अलग एक अपनी जगह पर है, और दूसरे जो हालात हैं वो बहुत दर्दनाक हैं। हमने जो फिल्में दिखाया वो 10% भी नहीं था, उससे ज़्यादा
वहाँ के हालात ऐसे हैं, वो हमारे मुल्क का हिस्सा है, उसको हमें जितना हो सके नॉर्मल बनाना चाहिए। न्यूडिटी क्लॉज ये कब आया? मैं एकता कपूर से पूछता हूँ क्या मतलब है उनका न्यूडिटी क्लॉज से। इधर आके बात करिए ना, मैं उधर फिर आपकी तरफ देखता हूँ। अच्छा आप अपने कैमरे के लिए करवा रही, बाकी कैमरे ऐसे ही देखिए। इंडस्ट्री में और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो होनी चाहिए। मैं एक्चुअली इस परिचित नहीं हूँ, न्यूडिटी क्लॉज क्या है ये, जब मैं परिचित हूँगा मैं जान जाऊँगा इसके बारे में तो बात कर पाऊँगा। व्हाट नाइट लाइफ बॉम्बे में जिंदा है और आई थिंक थोड़ा उसको और बढ़ाना चाहिए। शुक्रिया। कश्मीर इज फेमस एज अ डेस्टिनेशन, बॉलीवुड का भी उसमें काफी हिस्सा है। आज वो कश्मीर में चाहे गुलमर्ग चाहे पहलगाम चाहे सैरगंज, तो मेरा ये था कि इनका आने से विशाल भारद्वाज ने भी एक किया, ये पहलू रहा पता नहीं सैलाब आ जाए तो वहाँ के लोगों का ये एक ख्याल था कि बॉम्बे जाना चाहिए। एक तो सबसे ज़्यादा पर्यटन जो है टूरिस्ट बॉम्बे से महाराष्ट्र से आता है या फिर ट्रेवलर्स, उसमें यही कहूँगा तो एक तो ये सीज़न हो गया मई जून इस सीज़न फुल सीज़न, लेकिन ऑफ सीज़न जुलाई अगस्त डायरेक्शन है। पहलगाम इज़ वन ऑफ अवर इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन, वो अच्छा है। कुनाल सर राइट साइड सर, गोव एंड लास्ट कॉर्नर सामने सर, जब बोलते हुए लास्ट कॉर्नर सर I haven't actually spent much time in Kashmir, but I remember going as a child when I was about 10 years old. We went to Gulmarg, which is very beautiful, and that's the first time I rode a horse, and I spent some time in Kashmir, but a very long time ago.
and Kunal made a promise to take me as soon as we get home. Would you like to shoot that? Because your mom's iconic films have been shot in Kashmir. Well, Kashmir is as well. So I think this year certainly I would like to make a visit to the Kashmir Valley if possible, and certainly Lamar. Nepal is going through a tough time. So is there any way you all have come forward? Yes, but we don't want to talk about it. As of now, we just want to say that our prayers are with them. I know they do in the strongest way possible. And I hope none of them reach to their head somewhere there. So they expect me. So I'm last one. I'll pray to God that he
he is happy after the verdict, and but I, being a common man of this country, I can't pass a judgment on something which is, the law has to take its thing, and I just hope that things are all right, and I just hope, but the Salman that I have known for the last 12, 15, 20 years has become the most amazing human being. I think the kind of charity that he is doing for the people, for poor people of this country, is laudable, and I pray that things are okay. Sir, last question. Sir, yeah, right me. Sir, right me, right me. Manish sir, one more. Sir, last corner, sir. Sir, right. Sir, right. Sir, yahan pe. Sir, yahan pe. Haan, sir, yahan. Abhi aap. Mere paas. Sir, bike. Sir, ek photo karte hain. ऐसे ही के जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म से आप फोटो आ जाए आ जाओ ना पुलिस सर यहाँ पे सामने नीतू एट लेफ्ट लेफ्ट प्लीज राइट सर राइट सर लेफ्ट में लेफ्ट में सेंटर सर लेफ्ट में सर राइट सर लेफ्ट में सर यहां पे मधुर मधुर हजार तो देने से नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा ऐसा लगता है 10,000 में 5 नॉलेज मैं सबके नाम देख नॉलेज लैपटॉप में मैं काम भी करके दूंगी 5,000 दो साल में वो कौन सीखा हूँ उसका बच्चा परेशान ठीक है आ रहा है छोटी सी आशा हमने जो फिल्म बनाया वो आई एक
मिलना था, क्रिसमस सब मिलना आना थे। सही है लेफ्ट साइड, सही है लेफ्ट साइड, सर लेफ्ट में, लेफ्ट में बोट ऑफ यू ऑन द लेफ्ट, बोट ऑफ यू ऑन द राइट, सेंटर सेंटर लेफ्ट में, ऊपर का राइट सर, लेफ्ट में सर, स्ट्रेट स्ट्रेट इरफान सर, थैंक यू इरफान सर, लेफ्ट में, लेफ्ट में इरफान सर, सर सेंटर इरफान सर, देख जरा इधर समोर का यार, लेफ्ट साइड मैन, इधर राइट, इधर राइट, इधर वन मोर, इधर स्ट्रेट हियर, ये 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 निकाल क्या कह रहे सर, लेफ्ट में, लेफ्ट में सर, आपके सामने देखिए सर, विनोद जी।